मॉर्निंग बच्चों, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी कक्षा है सेवंथ। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे पूर्णांक, जो अपना कल चल रहा था। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन नंबर एक कर लिया था, दो कर लिया था और क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर चार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्वेश्चन लिख देता हूं, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। अब ये पनडुब्बी क्या होती है? पनडुब्बी वो होती है जो समुद्र के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही है समुद्र के अंदर, उन सबकी देखरेख करता है। ठीक है, वो होती है पनडुब्बी। पनडुब्बी और हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? पनडुब्बी और हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो चलिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये हवाई जहाज है, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई पर है? देखिए, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर है। ये समुद्र तल है, ठीक है। इनकी जो ऊंचाई है, ये समुद्र तल यहां से स्टार्ट होगा, ये है 5000 मीटर, ठीक है। और ये कह रहा है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 1200 मीटर क्या है? एक पनडुब्बी। पनडुब्बी बनाते हैं अपन, ये पनडुब्बी बन गई। ये हो गया हवाई जहाज और ये हो गया पनडुब्बी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। देखिए, एकदम ठीक ऊपर है हवाई जहाज, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे,
पनडुब्बी और हवाई जहाज के उर्ध्वाधर दूरी कितनी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की आपको टोटल दूरी बतानी है कि जहाज और पनडुब्बी की दूरी कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी ऊंचाई प्लस समुद्र तल से पनडुब्बी की निचाई गहराई यानी के, तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6200 मीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, या इसको अपन थोड़े बड़े तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बड़ा करके इसको, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर 5000 मीटर, समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई बराबर 1200 मीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6200 मीटर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दूरी। ये अपना आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में दिखाया जाता है तो खाते में जमा कराई गई राशि को आप किस रूप में दिखाएंगे। ये मैंने आपको कल भी बताया था, यदि खाते में पैसा जमा कराते हैं तो वो प्लस किया जाता है यानी कि धनात्मक किया जाता है, और यदि पैसा निकालेंगे तो माइनस किया जाता है मतलब ऋणात्मक किया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपसे पूछी गई है खाते में जमा कराएगी राशि को आप किस रूप में निरूपित करेंगे, तो आपको पता है धनात्मक मतलब जोड़ेंगे, और निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं क्वेश्चन, मोहन बैंक में जमा कराता है बराबर कितने रुपए जमा कराता है, 2000 रुपए। ठीक है, मोहन बैंक से निकालता है बराबर 1200 रुपए, ये पैसा निकालता है। ठीक है, आपसे पहला पॉइंट पूछा गया है, यहां पर लिख देता है यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में के रूप में निरूपित किया जाता है तो जमा कराई गई
राशि को किस रूप में निरूपित करेंगे? ठीक है, किस रूप में निरूपित करेंगे आपको बताया था मैंने आपको, तो इसका आंसर नंबर एक, जमा कराई गई राशि को धनात्मक मतलब प्लस में धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। पॉइंट नंबर दो पूछा गया है, निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि कितनी है? निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि, चलो शेष राशि निकालते हैं। जमा कराई गई राशि कितनी थी? 2000 रुपए। जमा कराई गई राशि 2000 रुपए मतलब प्लस में लिखना है 2000 रुपए। निकाली गई राशि 2000 रुपए में, देखिए निकाली गई राशि को किस रूप में, यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक मतलब माइनस में प्रदर्शित करना है तो माइनस में कितने रुपए निकाले, बार निकाले गए हैं 1642 रुपए। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 1642 रुपए। अब अपन घटाते हैं, 2000 में से 1642 गए, कितने बच गए, देखिए 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, अब यहाँ पर तो एक ही बच गया था, एक में से एक गया 0, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 358 रुपए, ये अपना आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले बता देता हूँ कौन सा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, अपन एक डायग्राम के माध्यम से करते हैं। देखिए अपन ने प्लस का निशान बनाया, ठीक है, ऊपर वाला तो होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, रीता जो है बिंदु ए से पूर्व की ओर जाती है, पूर्व की ओर का मतलब ये। ठीक है, तो इस बिंदु को अपन कह देते हैं ए से, तो देखते हैं रीता बिंदु ए से कहां जाती है, पूर्व की ओर जाती है, कितने मीटर, 20 किलोमीटर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी 20 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, पश्चिम की ओर मतलब पहले तो पूर्व की तरफ गई, अब यही सड़क लेनी है और यहीं से कह रहा है कि पश्चिम की तरफ जाना है, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर।
तो देखिए बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर आगे, ये तो हो गया पूर्व की तरफ और ये हो गया पश्चिम की तरफ, कितने किलोमीटर पश्चिम, ये जाता है टोटल 30 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर तय करती है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक रूप में निरूपित किया जाए। ये कह रहा है कि पूर्व की दूरी को धनात्मक लिखना है, मतलब प्लस में लिखना है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप किस रूप में निरूपित करोगे, यह धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक निरूपित करेंगे, ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसके अंतिम, यानी कि पहले अपने को पूर्व की तरफ जाना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ आना है, तो सबसे पहले पूर्व की दूरी, ठीक है, बिंदु ए से पूर्व की तरफ बी तक की दूरी, ये कह रहा है पूर्व की दूरी को किस में लिखना है, धनात्मक में लिखना है, मतलब प्लस में लिखना है, बराबर में 20 लिख देंगे। अब 20 से अपन कहां तक है, पश्चिम की तरफ, बिंदु बी से पश्चिम तक, जिसको अपन ने नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं सी, प्रश्न में कहा नहीं है, अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। बिंदु बी से पश्चिम तक यानी कि सी की दूरी, इसको किस रूप में दिखाना है, -30। तो 20 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको बताया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटा दिया अपन ने, घटाया 30 में से 20 गए, 10 आ गया। अब बात यह आती है अपन यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे या प्लस का लगाएंगे,